हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 तेनाली रामा एंड द ड्रीम किंगडम। ये जो स्टोरी है ये राजा कृष्णदेव रॉय की है और तेनाली रामा की है जो कि उसका एक मिनिस्टर मतलब मंत्री था हु वाज वेरी क्लेवर एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा चतुर था। देयर वंस अ किंग नेम्ड कृष्णदेव, एक बार एक बहुत बड़ा राजा था जिसका नाम कृष्णदेव था। ही रूल्ड ओवर द माइटी विजयनगर एम्पायर, वो रूल करता था। माइटी विजयनगर का मतलब होता है कि जो एक बहुत बड़े स्टेट पर, जो कि कई कई छोटी 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 स्टेट से मिलकर बना होता है, पर राज करता था। वन नाइट ही ड्रीम्ड ऑफ अ स्प्लेंडेड पैलेस, स्प्लेंडेड मतलब वेरी ब्यूटिफुल। एक रात उसने बहुत ही सुंदर जगह का महल का सपना देखा। इट वॉज मेड ऑफ ग्लिटरिंग स्टोन्स एंड इट फ्लोटेड इन द एयर, ये बहुत ही चमकदार पत्थरों से बना हुआ था और हवा में तैर रहा था। इट हैड 100 rooms, इसमें 100 कमरे थे। ईच वॉज पेंटेड विद ब्यूटिफुल डिज़ाइंस, जो कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइनों से पेंट हुए हुए थे। द पैलेस कुड लाइट अप विद 1000 lights और मे बी मेड अप टू डिजपियर इन टू द डार्कनेस बाय मेयरली विशिंग सो, जो ये पैलेस था उसमें हज़ारों लाइटें जगमगा रही थीं और लाइटें इतनी सुंदर थीं, इतनी जगमगा रही थी कि उन्होंने सारे अंधेरे को ख़त्म कर दिया था। ईच डे ही कैप्ट थिंकिंग अबाउट द पैलेस इन हिज ड्रीम, प्रत्येक दिन वो अपने सपने के महल के बारे में सोचता था। इवन वैन ही वॉज सपोज टू बी वर्किंग, यहाँ तक कि जब वो काम कर रहा होता था तब भी वह उसके बारे में ही सोच रहा होता था। टुमारो आई विल टेल द कर्टियर्स अबाउट द ड्रीम आई हैड, कल मैं अपने दरबारियों को बताऊँगा कि मैंने क्या सपना देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट द कोर्ट, अगले सुबह दरबार में। लास्ट नाइट आई ड्रीम ऑफ मैग्निफिशेंट पैलेस, मैग्निफिशेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, यानी बहुत ही खूबसूरत और मन को हरने वाला। लास्ट नाइट मैंने पिछली रात मैंने बहुत ही मन को आकर्षित करने वाला सपना, एक महल देखा। नॉट एवरी वन एट द कोर्ट वॉज वाइज और ऑनेस्ट, केवल दरबार में सारे ही बुद्धिमान और ईमानदार नहीं थे। मोस्ट ऑफ द कर्टियर्स वॉन्ट टू द फ्लैटर द किंग होपिंग ही वुड रिवॉर्ड दैम इन रिटर्न, उनमें से ज़्यादातर जो दरबारी थे वो चापलूस थे और वो उम्मीद करते थे कि इसके बदले में उन्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड या इनाम मिलेगा। माई किंग योर ड्रीम इज इंडीड मार्वलस, मेरे राजा मेरे महाराज आपका सपना बहुत ही बढ़िया है। यस इट इज़ ओनली अ ग्रेट किंग कैन हैव सच अ ग्रैंड ड्रीम, केवल आप जैसा महान राजा ही ऐसा सपना देख सकता है। इंक्रीज बाई हिज फुलिश एंड ग्रीडी कर्टियर्स द किंग मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट, अपने मूर्ख और लालची दरबारियों के साहस बढ़ाने से राजा ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, पब्लिक के सामने एक उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। आई वॉन्ट माई ड्रीम पैलेस बुल्ड, मैं अपना एक सपनों का महल बनाना चाहता हूँ। गो फाइंड मी अ पर्सन हु कैन डिज़ाइन एंड बुल्ड सच पैलेस फॉर मी, जाओ और एक ऐसे आदमी को ढूंढो जो मेरे लिए मेरे सपनों का महल बना सके। आई विल गिव हिम 100,000 gold coins, मैं उसको 100,000 सोने के सिक्के दूंगा, यानी 1,000 सोने के सिक्के दूंगा। द कर्टियर्स वर शॉक्ड बाय द किंग्स अनाउंसमेंट्स, जो बाकी के दरबारी थे वो सारे के सारे हैरान हो गए राजा के अनाउंसमेंट को सुनकर। देयर माउथ फेल ओपन, उनके जो मुंह थे वो खुले के खुले रह गए। बट व्हाट कुड दे से अगेंस्ट द किंग्स कमांड, लेकिन कोई भी राजा की जो आज्ञा थी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था। मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट हैव द करेज टू टेल द किंग, और किसी ज़्यादातर में तो बिल्कुल भी साहस नहीं था कि वो राजा के सामने ये बातें कह सकें। हु एवर हर्ड द पैलेस फ्लोटिंग इन एयर, कहीं तैरता हुआ महल सुना है? बट हाउ कैन वी टेल द किंग इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन राजा से कौन कहेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। अ फ्यू ऑफ वाइज एंड ऑनेस्ट कर्टियर्स ट्राइड रीजनिंग विद द किंग, उनमें से जो कुछ बुद्धिमान और ईमानदार दरबारी थे उन्होंने राजा के सामने कारण प्रस्तुत किया, उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की।
माय किंग इट वुड बी इम्पॉसिबल टू बुल्ड ओवर द क्लाउड्स एंड एयर, मेरे राजा ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम बादल और हवा बना सकें। माय किंग ही स्पीक्स द ट्रूथ सच अ पैलेस कैन नॉट बी बुल्ड, महाराज ये सच कह रहा है ऐसा महल नहीं बनाया जा सकता। साइलेंस आई हैव नो मोर ऑफ योर एक्सक्यूजेज, अब लेकिन राजा गुस्सा हो गया, उसने बोला चुप रहो मैं इसके बारे में और ज़्यादा बहाने नहीं सुनना चाहता। एंड आई विल नॉट बी प्लीज्ड इफ यू कैन नॉट बिल्ड मी अ पैलेस इन द एयर, और मैं जब तक खुश नहीं होऊंगा जब तक तुम मेरे लिए ऐसा महल जो कि हवा में तैरता हो नहीं बना लेते। द कर्टियर वर वरीड, जो दरबारी थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। दे न्यू देयर वॉज ओनली मैन हु कुड फाइंड अ वे आउट, हिज नेम वॉज तेनालीरामा, और वो ये जानते थे कि केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें इस परेशानी से निकाल सकता है और उसका नाम तेनालीरामा है। ही वॉज अ मिनिस्टर पोइट एंड जेस्टर, वो एक मंत्री हैं, एक कवि हैं और एक बहुत बड़े विदूषक मतलब ज्ञानी हैं। जेस्टर मतलब विदूषक ज्ञानी। एट द किंग्स कोर्ट, कहाँ पर है, राजा के दरबार में। सो द चीफ मिनिस्टर डिसाइडेड टू गो टू द तेनालीरामा हाउस एंड स्पीक टू हिम, इसलिए जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वह तेनालीरामा के घर जाएंगे, उनको ये सब बातें बताएंगे। A few day later, a man tottered into the king's court crying for justice. कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति रोता हुआ राजा के दरबार में आया और न्याय के लिए चिल्लाने लगा। My dear fellow, what the is the matter? मेरे प्यारे मित्र, क्या बात है? Who has been unjust with you? तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है? Tell me without fear and I shall see the justice is done. मुझे बिना किसी डर के बताओ और मैं तुम्हारे लिए न्याय करूँगा। I have been robbed your majesty. मुझे लूटा गया है मेरे मालिक। Who has robbed you? तुम्हें किसने लूटा है? Name him and I will him severely punished. मुझे तुम उसका नाम बताओ, मैं उसे बहुत ही कड़ा दंड दूंगा, राजा ने ये कहा। अब वो व्यक्ति बोलता है, Your Majesty, I will tell you, but you must first promise me that you will not punish me. महाराज, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मुझे दंडित नहीं करेंगे, यानी आप मुझे सजा नहीं देंगे। I have nothing left. मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। The king was astonished. अब राजा आश्चर्य में पड़ गया। But he remembered his promise, लेकिन उसको अपना जो promise था वो याद था। And sat back to listen to what the man had to say, और वो बैठ गया और अब वो सुनना चाहता था कि अब वो आदमी क्या कह रहा है। Your Majesty, last night I had a dream. मेरे मालिक, मेरे महाराज, मैंने last night एक सपना देखा, मैंने पिछली रात एक सपना देखा है। I dreamed that you had come with your entourage of minister and commanders and robbed my entire life saving 5,000 gold coins. मेरे महाराज, मैंने सपना देखा कि पिछली रात आप मेरे यहाँ पर अपने दरबारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ और अपने कमांडरों के साथ आए और आपने मेरे सारे जो ज़िंदगी की जो कमाई थी उनको लूट लिया, जो कि थी 5,000 गोल्ड कॉइन्स, यानी 5,000 सोने के सिक्के आपने लूट लिए अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ मिलकर। हाउ फुलिश यू आर, हाउ कैन यू बिलीव दैट यू योर ड्रीम कैन बी रियल, तुम कितने मूर्ख हो, तुम ये कैसे विश्वास कर सकते हो कि जो तुमने सपना देखा है वो सच है? ड्रीम्स आर नॉट ट्रू, सपने कभी भी सच नहीं होते हैं। अब ये कौन कह रहा है? ये राजा कह रहा है। वो आदमी फिर बोलता है, इफ योर मजेस्टीज ड्रीम ऑफ पैलेस हैंगिंग इन द एयर कैन बी मेड टू कम ट्रू, देन वाई कांट माई ड्रीम बी रियल टू। महाराज, यदि आपका सपना तैरते हुए महल का जो कि है वो अगर सच हो सकता है तो मेरा सपना क्यों सच नहीं हो सकता?
बट बिफोर द किंग कुड आंसर, लेकिन इससे पहले कि राजा आंसर देता, द मैन टोर ऑफ हिज फॉल्स बियर्ड एंड हेयर, जो वो आदमी आया था उसने अपनी नकली दाढ़ी और बालों को निकाल दिया. इट वॉज नन ऑफ अदर देन तेनालीरामा, वे और कोई नहीं था, वो तेनालीरामा था. तेनालीरामा बोर्ड लो बिफोर द अमेस्ड किंग. तेनालीरामा जो आश्रम में पड़े हुए राजा के सामने झुका. योर मजेस्टी आई अपोलोजाइज, मेरे मालिक मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ. अपोलोजाइज माने माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना. आई अपोलोजाइज फॉर ट्रिकिंग यू, बट दिस वॉज द ओनली वे ऑफ कन्विंसिंग यू दैट योर ड्रीम ऑफ बिल्डिंग अ पैलेस फ्लोटिंग इन द एयर इज इम्पॉसिबल. मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपके साथ ये ट्रिक की, लेकिन ये आपको कन्विंस करने का, आपको मनाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि तैरता हुआ जो सपना महल जो आपने देखा है वो बनाना नामुमकिन है, वो बनाया नहीं जा सकता है. द किंग बर्स इंटू लाफ्टर, अब राजा जोर जोर से हंसने लगा. यू आर राइट तेनाली, यू आर रियली वेरी क्लेवर, तुम बिल्कुल सही हो तेनाली, और तुम बहुत चतुर भी हो. उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. थैंक यू.